जय मसीह की। आज का दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर ने हमको यहाँ पे उपस्थिति किया है। हालेलुया। आज का दिन में कहीं सारे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाते हैं, और कहीं सारे लोग हैं जो बीमारियों के साथ गुजार रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमको आज जिंदा रखा है उसका स्तुति और आराधना के लिए। वाक्य कहता है कि परमेश्वर ने ऐसा आराधना करने वालों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और सच्चाई है, और उसकी आराधना जो कोई करे वो आत्मा और सच्चाई के साथ करना चाहिए। हमको कहीं सारे गाना है जो हमको आता है, हमको बजाने आता है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम सच्चाई में है, आत्मा में है। हालेलुया। अभी हम आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ परमेश्वर के पास जाएंगे, उसका आंगन में जाएंगे उसका स्तुति आराधना करते हुए। आइए हम सब आंखें बंद करेंगे और प्रभु की ओर मन लगाएंगे। हालेलुया राजा, धन्यवाद परमेश्वर पिता आज का दिन के लिए, प्रभु इस समय के लिए परमेश्वर ने तूने हमको आज जिंदा रखा है। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर कि तूने हमको संभाला है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु को हमको हर एक मुसीबत से तूने हमको बचाया है परमेश्वर, तेरी धन्यवाद करते हैं प्रभु को। इस समय प्रभु को तेरे चरणों में आते राजा, तेरा स्तुति आराधना करते हैं प्रभु को, क्योंकि तू ही यज्ञ है परमेश्वर हमारा स्तुति और आराधना की। प्रभु को परमेश्वर पिता तूने जो कुछ भी किया हमारे साथ में, हम क्या दे सकते हैं प्रभु को, क्या देकर तुझे खुश कर सकते हैं राजा। बस एक ही है कि मौन और सच्चाई के साथ, दिल के साथ तुझे धन्यवाद देकर तुझे पुकारते और तेरा स्तुति करते राजा। आइए मेरा भाई और बहनों, इस समय अपना मौन, अपना प्राण, अपना भावनाओं को उसका आज्ञाकारी बनाते हैं और उसका स्तुति गाते हैं, उसकी आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, क्योंकि पवित्र परमेश्वर वही यज्ञ है। हालेलुया राजा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और प्यार
हमारा शरण स्थान है, तू ही गढ़ है परमेश्वर, तू ही हमारा ढाल है परमेश्वर पिता। सारे स्तुति और आराधना की योग्य परमेश्वर हमारे बीच में आ जा प्रभु, हमारा मध्य में तो आ जा मेरे परमेश्वर। जमीन और आसमान को रचाने वाला महान परमेश्वर तेरी स्तुति करते रह जा, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को बनाने वाला परमेश्वर तेरी स्तुति करते रह जा, समुद्रों की गहराई को बनाने वाला परमेश्वर तेरी स्तुति करते रह जा, इंसान को अपना स्वरूप बनाने वाला परमेश्वर तेरी स्तुति करते रह जा। महान परमेश्वर पिता, पवित्र अपवित्र अति पवित्र परमेश्वर तेरी स्तुति करते राजा, पराक्रमी परमेश्वर तेरी स्तुति करते हैं राजा, अंधकार को दूर करने वाला परमेश्वर तेरी स्तुति करते राजा, ज्योति को प्रकट करने वाला परमेश्वर तेरी स्तुति करते हैं राजा, तू आदि और अंत है राजा, तू ही अल्फा ओमेगा परमेश्वर तेरी स्तुति करते राजा, तू था और है और आने वाला महान परमेश्वर तेरी स्तुति करते राजा, तू ही है परमेश्वर पिता, हमको बनाने वाला हमारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर, धन्यवाद है दे प्रभु को। याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चा गढ़ है, यहोवा सेनाओं का यहोवा हमारा संग संग है, हमें कोई चिंता ना होगी, हमें कोई घटी ना होगी, क्योंकि सेनाओं का यहोवा हमारा संग है, उसका उपस्थिति को हम महसूस करेंगे, उसके लिए ताली बजाकर हाथ उठाकर उसका स्तुति करेंगे।
उसके लिए चिल्ला कर पुकार कर हम उसको स्तुति गाएंगे। हालेलुया, उसका अनुग्रह जो हमको जिंदा रखा है, उसका अनुग्रह जो आज तक हमको चलाया है, उसका अनुग्रह जो हमको आज जिंदगी बना दिया है, उसका अनुग्रह ना होते हम ना होते, उसका अनुग्रह ना होती तो हम जिंदा ना रहते। बस हमारा ताकत हमारा बल से नहीं बल्कि उसकी ही अनुग्रह से। आइए हम सब हाथ को उठाकर ताली बजाकर उसके लिए गीत गाकर हम आनंद बनाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता, तेरा उपस्थिति से हमको भर दे प्रभु।
मेरे भाई और बहनों इस समय आए अपना भोज को परमेश्वर को ऊपर दीजिए। अब जो कुछ भी समस्या लेके आए हैं परमेश्वर को ऊपर डाल दीजिए। इस समय फ्री हो जाए उसके आराधना करने के लिए, क्योंकि उसकी कोरोना ही हमको बचाया है, उसके सिवा कोई नहीं, उसके बिना हम एक पाल भी जी नहीं पाएंगे, एक पाल के लिए भी हम सांस नहीं ले सकेंगे उसके बिना, बस उसकी कोरोना के लिए। हर घुटना टिकेगा और हर एक सुवान कबूल करेगा कि तू ही है परमेश्वर।
तू ही सच्चा परमेश्वर पिता, तू ही महान परमेश्वर पिता राशि। परमेश्वर पिता धन्यवाद प्रभु तेरा उपस्थिति के लिए, धन्यवाद प्रभु हमको छूने के लिए परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर पिता, आरंभ से लेकर इस समय तक हमको संभाला तुझे धन्यवाद देते राजा।
धन्यवाद प्रभु को परमेश्वर पिता, तेरा स्तुति आराधना करने में हमको आज्ञा रखा प्रभु, तुझे धन्यवाद है तेरा राजा। धन्यवाद परमेश्वर पिता, तूने हमको छुआ विश्वास करते राजा। धन्यवाद प्रभु को परमेश्वर पिता, इस समय में तूने हमको बहुत सारे चंगाई दिया, छुटकारा दिया, हम विश्वास करते राजा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद तेरा महान उपस्थिति के लिए परमेश्वर पिता। सारे मान महिमा तुझे मिले राजा, प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं पिता, आमेन। हालेलुया, जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को जो जिसने आज हमको ये दिन दिखाया है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि आज इस समय को उन्होंने हमको दिया है और इस बारे में ध्यान करने के लिए हमको मौका दिया है। आइए हम बाइबल के ओर जाएंगे, ध्यान करेंगे एक नारी के बारे में, एक नारी का विश्वास के बारे में। मार्कोस का किताब 5:25-34 तक। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत पैदा से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यर्थ करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ों में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्रों को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्रों ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमार से अच्छी हो गई हूं। हालेलुया। इस नारी का बारे में हम कई बार जानते हैं और बाइबल से भी पढ़े हैं, कई सारे सुनते हैं, लेकिन मेरे प्रियो जब हम ध्यान करेंगे तो परमेश्वर कुछ नया बात करती है, नया चीज़ें दिखाती है जिसमें हमको सीखना पड़ता है और हमको अनुभव करना पड़ता है। एक नारी जो 12 साल से लहू बहने का बीमार से पीड़ित रहती है, मेरे भाई और बहनों, इस 12 साल से जो पीड़ित रहती है, कई सारे दर्द उसको सहना पड़ा होगा, कई सारे कमजोरी में उसको जीना पड़ा होगा। बाइबल कहती है कि उसने बहुत सारे खर्च भी किया है लेकिन चंगाई नहीं हुआ है, उसको उसमें कोई इलाज नहीं हुआ है, बल्कि और भी वो बीमार हो गई है। मेरे भाई और बहनों, हमारा जीवन में ऐसे ही समस्या होगा, ऐसे ही तकलीफ होगी, ऐसे ही शरीर में बीमारी होगा जो कि कभी भी नहीं गया है हमसे। हमने कई बार कोशिश किया है लेकिन हमसे वो बीमार नहीं छूट पाता है। कई सालों से हम कोशिश करते हैं लेकिन वो समस्या ही हमारा परिवार से नहीं हटती है। कई बार हम कोशिश किए हैं, कई बार हम ट्राई किए, नहीं होता है हमारा जीवन से कि वो समस्या हमसे दूर हो सकता है। लेकिन उसने कभी थका नहीं है, उस नारी ने कभी नहीं थक गई है कि बस हो गया है, 12 साल से मैंने कोशिश कर लिया है और मैं नहीं ठीक हो पाऊंगी, मैं ऐसे ही गुजर जाऊंगी, ऐसा कभी उसने नहीं सोचा है। उसने आगे बढ़ा है। आज अभी हम सोचते हैं कि हमारा जीवन में 1-2 साल से कोई समस्या है तो हम थक जाते हैं, हम सोचते हैं कि इससे आगे और कोई कुछ होने वाला नहीं है और आगे नहीं बढ़ूंगी मैं, बस हो गया मेरे जिंदगी में समस्या, प्रॉब्लम, तकलीफ। लेकिन कोई तो एक है जो विश्वास रखो, धैर्य रखो कि मैं ठीक हो सकती हूँ, नहीं मेरा समस्या जा सकता है, चाहे वो 12 साल का हो या तो फिर 2 साल का। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है मेरे भाइयों, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उससे सब कुछ हो सकता है, बस हमारा विश्वास का जरूरत है। हम कितना विश्वास रखते हैं उस पर उसका वही बहुत मेहनत पूर्ण है। मेरे भाई और बहनों, वो जब सुनती है कि चर्चा में चल रहा है कि यीशु भीड़ों में चल रहे हैं और वो आगे बढ़ती है, वो सोचती है कि मैं जाकर उसका कपड़ा भी छू लूं तो मुझे चंगा हो जाऊंगी। मेरे भाई और बहनों, ये नारी का कितना बड़ा विश्वास है कि किसने तो उस यीशु के पास बात कर रहे हैं,
कई सारे लोग उसके साथ में चल रहे हैं, कई सारे लोग उसके साथ में खड़े हैं, लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है। इसका अंदर ये एक सोच है कि उसका कपड़ा भी छू लूंगी। तो उसने अपना जीवन में यीशु मसीह को कितना बड़ा ना सोच लिया है, वो हमारा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम हमारा अंदर यीशु मसीह को कितना बड़ा रखते हैं। हमारा अंदर कभी भी हम छोटा नहीं रखना चाहिए, उसको हमेशा हमारा जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण करके सोच लेना चाहिए। नहीं हो सकता है, मैं चंगा हो सकती हूँ, और वो चलने लगती है। और ये जो लहू बहने का जो बीमारी है, उस समय पुराना समय में ऐसा बीमार को एक तुच्छ जानते थे, अशुद्ध जानते थे, और उसको हमेशा अलग रखा जाता था, अलग रुकना पड़ता था, क्योंकि उसको लहू बहने का बीमारी था। मेरे भाई और बहनों, जब यीशु चल रहा था तो कहीं सारे भीड़ थे वहां पे, तो वहां पे कितना सारे आदमी लोग भी रहते होंगे, कहीं सारे लोग रहते होंगे, लेकिन इसने वो नहीं देखा है जो दुनिया में दिखता है। उसने बस यीशु को देखा है, सोचा कि मैं यीशु को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसने बस उसके सामने उसके नजरों में सिर्फ यीशु ही दिखा है। मेरे भाई और बहनों, आज हम किसको देखते हैं? हम कई सालों से यीशु को जानते होंगे, हम कई सालों से विश्वासी होंगे, लेकिन हम हमेशा हमारा नजरों में क्या यीशु को देखते हैं, या तो फिर हम दुनिया का चीजों को देखते हैं, या क्या कहेंगे वो क्या कहेंगे? कुछ नहीं, हम यीशु को सीधा देखना है। और वो चलते लगती है इतना भीड़ों के बीच में, एक बीमारी स्त्री यीशु को छू कैसा पा लेती है। हालेलुया। जब ये नारी ने जाती है तो किसी से उसने मदद नहीं पूछा है, ये मेरे भाइयों मुझे मदद करो, मुझे यीशु के पास ले चलो, क्योंकि 12 साल से उसको लहू बहने का बीमारी था, तो कितना कमजोरी रही होगी। इतना भीड़ों में वो यीशु को छूना है तो उसके लिए कितना बड़ा तकलीफ रहेगा, लेकिन उसने किसी का मदद नहीं लिया है, किसी का सहारा नहीं लिया है, किसी से पुकारा नहीं कि मुझे लेके चलो यीशु के पास में, मुझे यीशु के पास में पहुंचना है। क्या मेरे जैसा इतना कमजोरी औरत को यीशु देख पाएगा? मुझे जल्दी पहुंचाओ, मुझे चंगाई होना है। किसी से भी नहीं पुकारा है, किसी से भी नहीं मदद पूछा है, उसने खुद कोशिश किया है, खुद ट्राई किया है कि मैं जाऊंगी यीशु के पास में, मुझे हो सकता है मैं खुद ही छू लूंगी यीशु को। जब हमको प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, बीमारी आती है, हम हमेशा दूसरे का सहारा लेने को कोशिश करते हैं। कई सारे लोग हैं कि डॉक्टर से कई सारे हम खर्चा निकालते हैं, या तो फिर अपना जो जान पहचान रहते हैं उनसे मदद लेते हैं, कुछ कर लो हमारे लिए, लेकिन हम ऐसा करने से यीशु को छोटा बना लेते हैं हमारे जीवन में, हमारा जिंदगी में यीशु को छोटा बना लेते हैं। हमारा जीवन में हमारे रिश्तेदारों, हमारा डॉक्टर, हमारा कुछ भी चीजें बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा है हमारा यीशु मसीह। उसका सामर्थ्य बड़ा है, लेकिन उससे भी हमको बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा विश्वास। हम कितना बड़ा सोचते हैं यीशु को और कितना विश्वास रखते हैं उस पर। और वो जाते रहती है किसी से बिना मदद पूछ के, इतना भीड़ों के बीच में वो गुजर रही है यीशु को छूने के लिए। मेरे भाई और बहनों, उसने जब यीशु को छूती है, उसका कपड़ा को छूती है, यीशु को नहीं छुआ, उसने उसका कपड़ा को छुआ है। कितना बड़ा विश्वास है कि उसका कपड़ा छीने से वो चंगा हो सकती है। जब यीशु का कपड़ा उसने छुआ है और अपने आप को जान लिया कि उसने चंगाई हुआ है, हालेलुया, वो जब खुद को जान लिया कि उसने चंगाई हुआ है, उसका विश्वास उसको चंगा किया है, हालेलुया। जब यीशु ने जानता है कि उसको किसी ने छुआ है, और यीशु पलट कर देखता है और पूछता है कि कौन मुझे छुआ है, कोई तो मुझे छुआ है, क्योंकि यीशु महसूस करता है कि उसका सामर्थ किस पर उतर रहा है। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह देखा नहीं कि वो औरत उसको छू लिया है, और यीशु मसीह जानता है कि किसी ने उसको छुआ है, तो आपका समस्या को वो जानता है। आप चाहे बोलो ना बोलो, आप चाहे सुनाओ ना सुनाओ, आप चाहे उसके पास में
ना बोले होंगे, पर वो पहचानता है आपका, आपका दुखों को जानता है, आपका कष्ट को जानता है, आपका मन को, भावनाओं को, चिंताओं को, सब कुछ वो जानता है। यीशु मसीह सब कुछ जानता है आपका बारे में। आप चाहे बोलो ना बोलो, क्योंकि उसको सब कुछ पता होती है। ऐसा कुछ भी नहीं कि वो कुछ भी नहीं जानते है। और जब जानकर पूछते हैं यीशु कि कौन मुझे छुआ है, किसने तो मुझे छुआ है, तब एक शिष्य ने यीशु को कहता है, यीशु यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे इतना सारे भीड़ है, लोग आपको ऊपर गिर रहे हैं, इतना भीड़ों में आप पूछ रहे हैं कि आप किसको छुआ है। मेरे भाई और बहनों, इसमें बहुत एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पे इतना लोग थे, कई सारे लोग बात किए होते हैं यीशु के पास में, कई सारे लोग यीशु को छुए होंगे, कई सारे लोग यीशु के साथ में खड़े होंगे, चलते होंगे, लेकिन किसी को भी वो चंगाई नहीं मिला, किसी को भी वो छुटकारा नहीं मिला जो इस नारी से मिला है। वो इसीलिए क्योंकि वो नारी के अंदर एक विश्वास था, उसने यीशु मसीह को बड़ा रखा है, उसका दिल में यीशु मसीह को एक बड़ा पैदा किया है कि मैं उसका कपड़ा छीनने से भी मैं चंगा हो जाऊंगी, बहुत बड़ी विश्वास है उसका। वहां पे रुके हुए कोई भी चंगाई नहीं मिला है, और बाइबल भी नहीं कहती है कि वहां पे किसी को चंगाई हुआ, किसी को छुटकारा हुआ, पर ये नारी का बारे में लिखा गया है कि उसने वो कपड़ा छीने से, यीशु का कपड़ा छीने से उसको चंगाई मिला है। और यीशु मसीह जानता है, और जानने से जब पूछताछ करते हैं, जब वो जानती है कि उसको चंगाई मिला है, वो डरने लगती है, कांपने लगती है कि उसको चंगाई हुआ है, उसके साथ में भलाई हो गया है, कुछ तो उसका जिंदगी में छुटकारा मिल गया है, उसको डर आने लगता है। वो डर हमारा जीवन में होना चाहिए। जब हम वो औरत, जब नारी जब आ रही थी यीशु के पास में, इतना भीड़ों के बीच में उसको कभी डर नहीं लगा, इतना भीड़ों के बीच में वो डरी नहीं है, इतना लोगों के बीच में आने के लिए नहीं डर गई है, वो हिम्मत उठाई है, मैं यीशु के पास तक जाऊंगी। लेकिन यहाँ पे डर रही है, ये है आत्मिकता का डर है, ये डर हमारा जीवन में होना चाहिए। पीछे से तो आकर उसने कपड़ा छीन कर चंगा पाई है, पर सामने आने के लिए डर रही है। मेरे भाई और बहनों, हमारा जीवन में कई सारे काम हम करते हैं और हम नहीं सोचते कि हमने कोई गलती किया है, हमने कोई पाप किया है, जाने अनजाने से हमसे कई सारी गलतियां होती है, लेकिन हमारा अंदर डर नहीं आती, क्योंकि हमारा अंदर वो आत्मिकता से वो यीशु मसीह को पर डर नहीं है हमारा जीवन में, वो कांपने का हमारा अंदर से कभी नहीं आता है, ये क्या हो गया मेरे साथ में, और वो डर कर जो कांपती है वो हमारा जीवन में कभी नहीं आता है। कैसे भी हम गलती कर लेते हैं और कैसे भी हम आ जाते हैं यीशु के सामने, उसको वो पवित्रता हम कभी नहीं जानते हैं। वो डर हमारा जीवन में रहना चाहिए। और वो औरत, वो नारी आती है यीशु के सामने डरते हुए, कांपते हुए, और सब कुछ सच्चाई बताती है यीशु के पास में। और जब यीशु उसको देखते और कहते हैं, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तू खुशी से चले जाओ। जब यीशु ने उसको ये बात कहता है, यीशु ने ये नहीं कहा कि तूने मेरा कपड़ा छूकर चंगा हुआ है, यीशु ने ये नहीं कहता है कि मेरे द्वारा तू चंगा हुआ है, मुझे छूने से तू चंगा हुआ है, ये कई सारी बातें उसने नहीं कहा है। मेरे भाई और बहनों, यीशु ने ये बात कहता है कि तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यीशु मसीह भी हमको दिखाता है इस वचन के द्वारा कि हमारा विश्वास ही बहुत महत्वपूर्ण है। हम यीशु मसीह के ऊपर कितना विश्वास रखते हैं कि वो हमारे जीवन में कुछ कर सकता है, ये विश्वास हम कितना रखते हैं। मेरे भाई और बहनों, उसके द्वारा हो सकता है, यीशु सब कुछ कर सकता है, हमारा बीमार को दूर कर सकता है, हमारा समस्या को दूर कर सकता है, हमारा तकलीफों को दूर कर सकता है। बाइबल में कहती है आंधी और तूफान भी उसका आज्ञा मानते हैं, तो हमारा शरीर का बीमार उसका आज्ञा नहीं मानेगी, हमारा परिवार की समस्या उसका आज्ञा नहीं मानेगी, बस उसका शब्द काफी है, लेकिन उससे बड़ा है हमारा विश्वास
क्या हमारा जीवन में हो सकता है। यीशु मसीह को ऊपर मैं विश्वास कर लूंगी, एक ठान लेंगे कि मैं उसको विश्वास करने से हर प्रॉब्लम मेरा चला जाएगा। आजकल जो दुनिया में फैल रही है बीमारी है, कहीं सारे डर हमारा जीवन में आता है, कहीं सारे डर में हम गुजार रहे हैं, काश हम हमारा ऊपर वो बीमारियां ना आ सके, लेकिन हमारा यीशु मसीह को ऊपर हमको विश्वास रखना चाहिए। वो बड़ा विश्वास जो हमारा जीवन में काम कर सकता है, वो विश्वास रखना है, वो विश्वास हमारा अंदर ठान लेना है और यकीन करना है कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारा हर समस्या को दूर कर सकता है। आइए हम सब विश्वास के साथ में आज के बाद में एक ठान लेंगे कि यीशु मसीह ही हमारा जीवन में बड़ा काम कर सकता है, वो विश्वास हम उसके ऊपर रखना है। आइए हम इस वचन के द्वारा यीशु मसीह के पास जाकर हम प्रार्थना करते हैं कि जरूर हमारा जीवन में चाहे कई सालों से रुके हुए प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, ठीक हो सकता है, बस हमारा विश्वास बड़ा होना चाहिए। यीशु मसीह को हम बड़ा रखना चाहें हमारा दिल में। आइए हम सब आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए, आज का दिन के लिए। प्रभु को तूने हमको जीवित रखा है परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु को। हे परमेश्वर पिता, इस वचन के जैसा प्रभु को हमारा अंदर एक विश्वास तू दे प्रभु को, ताकि परमेश्वर पिता हम इस दुनिया का चीजों को बड़ा ना माने पर कि तुझे बड़ा माने परमेश्वर, हमारा जीवन की पहला स्थान तू बने परमेश्वर। यीशु मसीह ऐसा कुछ भी नहीं जो तू नहीं कर सकेगा, ये विश्वास हमारा अंदर एक पैदा होने दे राजा। और इस समय जो कहीं भी लोग देखते हैं, सुनते हैं, उनका हर एक जीवन में तू कार्य कर प्रभु, चाहे कई सालों से पड़े हुए समस्या रहने दे या तकलीफ रहने दे, उनको उनका जीवन से तू छुटकारा दे परमेश्वर, छुटकारा दे परमेश्वर पिता। इस समय तू छू ले मेरे परमेश्वर, हरे को छू ले मेरे परमेश्वर पिता, तेरा चंगाई हरे को ऊपर आने दे मेरे परमेश्वर, तेरी छुटकारा हरे को ऊपर आने दे मेरे परमेश्वर, तेरा सामर्थ उतारने दे मेरे परमेश्वर हरे को ऊपर, और चंगाई दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, तूने हमारा प्रार्थना को सुना, हम धन्यवाद देते। सारे मान महिमा गौरव तुझे मिले राजा, प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं पिता, आमेन।